भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने पत्रकार वार्ता कर राज्य की कांग्रेस सरकार पर गौठान की आड़ में किए गए घोटालों का आरोप लगाया। साथ ही चारा घोटाले की तर्ज पर ही इस घोटाले की सीबीआई जांच की बात कही। दुर्ग भाजपा कार्यालय में सोमवार को भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने छत्तीसगढ़ में राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा चलाए जा रहे गौठान पर निशाना साधते हुए गंभीर घोटालों का आरोप लगाया। साथ ही पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार गौठान की आड़ में अपने लोगों को फायदा पहुंचाकर जनता के पैसों का बंदरबांट कर रही है। इस मामले में उन्होंने गौठान के नाम पर 1300 करोड़ से अधिक की राशि का कांग्रेस द्वारा दुरुपयोग कर भारी घोटाला किए जाने का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि भाजपा पार्टी ने चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान चलाकर प्रदेश के 3948 गौठानों तक पहुंचकर वहां के घोटालों और गड़बड़ियों को देखा है। गौठान के नाम पर चल रहे गोरख धंधे में कांग्रेस सरकार ने सबसे अधिक पंचायतों के अधिकार पर ही डाका डाला गया है। इस संबंध में मीडिया के बीच अपनी प्रतिक्रिया भी दी। जिस प्रकार से घोटाला हुआ उस घोटाला को उजागर करते हुए आज 1300 करोड़ की घोटाला सामने आई है। जिस प्रकार से बिहार में चारा घोटाला का सीबीआई जांच हुआ, वैसे ही हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सीबीआई जांच की मांग करते हैं। इसी बात को तो मैं कह रहा हूँ कि ये पंचायत के अधिकारों का हनन करते हुए बिना किसी प्रकार से ग्राम पंचायत के सरपंचों का प्रस्ताव लिए, ना वहाँ पर पंचों की सहमति लिए, बलपूर्वक ठेकेदारों को भेज करके शेड निर्माण का काम किए, पूरे शेड उड़े पड़े हुए हैं। टंकी बनाने का काम करने का काम किए, पूरा टंकी टूटा हुआ पड़ा है। नल लगाने का काम हुआ है, पूरे नल के पाइप गायब हैं, कहीं पर कोई चारा नहीं है। इसी बात का हम लोगों ने उजागर किया। अध्यक्षों को 10,000 की पेमेंट भी दी जा रही है। पूरे गौठान समिति के अध्यक्षों का भी स्टेटमेंट रहा कि हमें उस 10,000 का कोई अता पता नहीं। मैं जैसे बालो क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मैं हीरापुर गया था, चारवाही गया था, जगन्नाथपुर सांकरा गया था, सांकरा क गया था, मैं बरही गया था, जुंगेरा गया था, मैं तरौत गया था। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पर किसी ने नहीं कहा कि हमें 10,000 रुपये प्राप्त। वर्मी कंपोस्ट के नाम पर स्व सहायता समूह के बहनों को काम देने के लिए बुलाया गया। पूरे स्व सहायता समूह के बहन इस बात का आरोप लगाते रहे कि हमको आज तक, हम हिसाब किए तो किसी को 14 रुपया, किसी को 17 रुपया, किसी को 34 रुपया, किसी को 36 रुपया, एक स्थान पर मेरे को केवल 45 रुपया रोजी पड़ा हो। ऐसा उन बहनों का काम का कार्यों का शोषण हुआ है। छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह के काम देने के आड़ में भी उन बहनों का भी शोषण हुआ। जिस प्रकार से बिहार में जंगल राज करने वाला लालू प्रसाद यादव के जंगल राज में चारा घोटाला गौ माताओं के नाम पर वहाँ हुआ था, वैसे ही घोटाला पूरे छत्तीसगढ़ के चलबो गौठान खोलबो पोल जो हमारा कार्यक्रम चला, उस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको जो जानकारी मिली, पूरे छत्तीसगढ़ के 3948 गौठानों पर हमारा यह कार्यक्रम हुआ और सभी का गौठानों पर गौ माता कहीं नहीं मिली। और इनके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा रोजगार गारंटी के पैसे, स्वच्छ भारत मिशन के पैसे, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का पैसा, 15 वित्त का पैसा, 16-14 वित्त का पैसा, जितने सारे जल मिशन का पैसा, जितने केंद्र सरकार के छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो राशि आया, उसको इन्होंने इनके ठेकेदारों के द्वारा बलपूर्वक सरपंचों के 1000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या इस सरकार के आने के बाद कर चुकी है। कर्ज माफ़ी की बात करते हैं, आज दिनांक तक एक्सिस बैंक, ओरिएंटल बैंक, देना बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक जितने हैं, उसका कर्जा 1 रुपया माफ़ नहीं हुआ। इस छत्तीसगढ़ के लगभग 74,000 किसान डिफाल्टर हो गए हैं और उन किसानों को सहकारी समितियों से या बैंकों से जो वो कर्ज लेकर खाद खरीदते थे, उनको आज कर्ज के कारण खाद नहीं मिल रहा है, जो नगद लोन लेते थे वो लोन नहीं मिल रहा है। फसल बीमा केंद्र सरकार की योजना बहुत ही महती, किसानों के पेट से जुड़ा हुआ, उनसे जुड़ा हुआ ऐसा योजना था, जिसको ये तकनीकी कारणों से केंद्र की सरकार की योजना सफल ना हो जाए, मोदी जी की छवि बहुत सफलतम प्रधानमंत्री के रूप में ना हो, ऐसा इस छत्तीसगढ़ में कृत्रिम तरीके से तकनीकी त्रुटि पैदा करके अपने अधिकारियों के द्वारा फसल बीमा का। ग्रैंड नेशन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।